अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे नेक्स्ट टेक यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए जैज़ का नया फ़ोन जैज़ डिजिट 4G एनर्जी। ये रिसेंटली जैज़ ने लॉन्च किया है जैज़ का डिजिट फ़ोन। इससे पहले मेरे पास जो फ़ोन था वो था जैज़ डिजिट 4G प्रो। आप इसकी स्पेसिफ़िकेशन दे सकते हैं, इसमें डिजिट OS है, डिजिट का अपना इसकी RAM बैटरी है, इसके अलावा 8GB और 1GB इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, 2.8 इंच स्क्रीन है और इसमें कैमरा मौजूद है। आप देख सकते हैं ये इसका बॉक्स है, अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको। आप इसके मेन फीचर जो हैं वो डिब्बे पे मौजूद हैं, हाइलाइटेड हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको वाईफाई की सहूलत मौजूद है, हॉटस्पॉट की सहूलत मौजूद है, इसकी बड़ी टॉर्च है और बड़ा स्पीकर है, और मज़े के बाद ये टच स्क्रीन भी है। इसमें डुअल सिम, मतलब दोनों एक और दो दोनों सिम पर 4G चलती है। ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक देख सकते हैं। इसमें डिजिट OS का वर्जन है, इससे पहले डिजिट का एक 4G लाइट वर्जन है जिसमें आपको KaiOS मिलता है, 4G डिफेंडर है, 4G क्लासिक है, उसमें आपको मिलता है KaiOS। KaiOS डिजिट OS की नस्बत बहुत स्लो है। मैंने KaiOS का फ़ोन यूज़ किया था जिसमें KaiOS था, वो नोकिया का 3800 4G, वो बहुत स्लो था। इसीलिए मैंने जब नोट किया कि मैंने इससे पहले यूज़ किया था डिजिट 4G क्लासिक, वो भी बहुत स्लो था। आप इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, ये रहा इसका बॉक्स। इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। मेरे पास कोई प्रॉपर चीज़ नहीं थी तो मैंने इस नेल कटर से ही इसकी अनबॉक्सिंग की। इसमें आपको जो लार्ज बैटरी मिल रही है वो आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी। मेरे ख़्याल में अगर आप सिंगल चार्ज पे हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, तकरीबन 5 से 7 घंटे आप हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं लगातार इस पे। चलिए इसका बॉक्स ओपन करके देख लेते हैं। खुल भी जाओ, ये रहा इसका बॉक्स, ये रहा फ़ोन। फ़ोन आप देख सकते हैं, इसका कलर है रेड, इसकी साइडें हैं और मेरे ख़्याल में ब्लू इसका कलर है, ब्लू इसका कलर है। आप देख सकते हैं पीछे एनर्जी का लोगो लिखा हुआ है, एनर्जी लिखा हुआ है, जैज़ डिजिट, और ये आप इसकी चार्जिंग पोर्ट देख सकते हैं, डिजिट का लोगो नीचे लिखा हुआ है, डिजिट फ्रंट पे भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका मैनुअल गाइड है, डिजिट ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद ये इसकी चार्जिंग केबल है, चार्जिंग केबल इसकी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हैंड फ्री हैं, हैंड फ्री नॉर्मल क्वालिटी के होते हैं जैसे पहले डिजिट 4G प्रो में थे। ये रहा इसका चार्जर, चार्जर इसका आम सही चार्जर है, मतलब इसकी वोल्टेज अच्छी है, मतलब इसको चार्ज करने के लिए सही है। ये आप देख सकते हैं इसकी वोल्टेज, अगर मैं आपको दिखा सकूं। उसके बाद ये इसका वारंटी कार्ड, और ये रही इसकी बैटरी। इसकी बैटरी की कैपेसिटी तकरीबन 3000 mAh है। ये आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी, 2 दिन आप इस पर लगातार कॉल्स वगैरह सुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 दिन इसको यूज़ करते हैं तो दूसरे दिन तक आपकी बैटरी ये बाकी रहेगी और आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलें जी इसकी बैक ओपन करके देख लेते हैं, इसका अंदर कैसा डिज़ाइन है और कितनी सिम और कौन सी सिम आप लगा सकते हैं। जी आप इसमें माइक्रो सिम लगा सकते हैं, 2 माइक्रो सिम और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं इसमें आप। चले जी इसकी बैटरी डाल ली हमने, इसको ऑन करते हैं। जी डिजिट पावर्ड बाय डिजिट OS, ये फ़ोन ऑन हो गया, जैज़ का लोगो आ रहा है सामने। ये इसकी बड़ी बड़ी आप टॉर्च देख सकते हैं, हैंड फ्री की जगह भी मौजूद है, आप 3.5 mm जैक लगा सकते हैं इसमें। और जो आप रेडियो सुनने के लिए आपको इसमें 3.5 mm जैक का लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये नहीं चलेगा। इसमें आपको वायरलेस FM
हाँ जी, फ़ोन तो ऑन हो चुका है। ये इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट पे, इसमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक सब कुछ इसका सामने ही है। कैमरा, फाइल मैनेजर, आप सेटिंग देख सकते हैं। सेटिंग में आप बैटरी देख सकते हैं, 64 इसकी परसेंटेज है, ये देख सकते हैं। इसके बाद आप इसकी स्टोरेज देख सकते हैं, स्टोरेज, ये साउंड वगैरह कम या ज़्यादा करना। इसके बाद ये स्टोरेज इसकी 8 GB इसकी स्टोरेज है और तकरीबन 3.98 यूज्ड है। ये रहा जेस डिजिट 4G, टच का रिस्पॉन्स अच्छा है, एक नॉर्मल फ़ोन की तरह ही है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन, और इसका ये स्पीकर बहुत अच्छा है। ये स्पीकर एक बड़ी अच्छी अंदाज़ से इन्होंने लगाया है। फ्रंट पे भी कैमरा मौजूद है, आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, ये टिकटॉक ऐप है, यूट्यूब सब कुछ। ये भी सेटअप नहीं हुए तो अभी ये कुछ भी ओपन नहीं होगा। बाकी आप ये फ़ोन देख सकते हैं, ये इसका कैमरा है, कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा ही है बस इस मोबाइल के हिसाब से और इस कीमत के हिसाब से। जो कैमरा अलग आ सकते थे उन्होंने वही कैमरा लगाया है जैज़ वालों ने। वैसे इतना बड़ी बैटरी होने की वजह से थोड़ा इसका वेट ज़्यादा है। मेरे पास जो पहले मौजूद था जैज़ डिजिट 4G प्रो, उसका वेट कम था इसकी निस्बत। ये आप देख सकते हैं, ये रहा इसका बॉक्स, ये रहा इसका बॉक्स। अभी आप चार्जर वगैरह देख सकते हैं इसका, ये सब कुछ इधर रख देते हैं साइड पे। ये रही इसकी लुक, आप देख सकते हैं स्पीकर ग्रिल इसकी एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ही है। आप इसे ये धूप में होने की वजह से आपको सही वाजे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वाजे नज़र आ रहा था। कैमरे में इतना साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि धूप थी, धूप की वजह से कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा था। ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा फ़ोन है, ब्लू कलर में है ये। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, इससे आप ये फ़ायदा होगा कि मेरी जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये रही फ़ोन की आखिरी लुक, आप देख सकते हैं। चले जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।